खूबसूरत तरीन गांव में से जारोगो गांव एक खूबसूरत गांव है। ये गांव थोड़ी ही हरसे में टूरिज्म के लिए काफ़ी मकबूल हो चुकी है। ये गांव बिहार वैली से टोटल 7 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगवरस से टोटल 49 किलोमीटर के फासले पर है। जारोगो आबशार वादी स्वात का सबसे बड़ा आबशार है और इस आबशार की वजह से जारोगो विलेज काफ़ी मशहूर हो चुकी है। इस आबशार की टोटल बुलंदी 450 फीट है, जबकि इसके लिए पैदल रास्ता टोटल 45 मिनट का है और इसी नदी के साथ साथ गुजरते हुए आपने फ्लैट रास्ते पे हाइकिंग करके इसी आबशार तक पहुंचना है। यहाँ इसी आबशार को देखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से टूरिस्ट आते हैं और इस आबशार की कुदरती हुसन से महजूज होते हैं। गर्मी के मौसम में इस वादी में हर रोज़ आफ्टरनून टाइम बारिश होती है और इसी बारिश की वजह से यहाँ पे जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। कुदरती हुसन की वजह से लालकू गांव काफ़ी मशहूर है। इस गांव में घने जंगलात, नदी और चश्मे इस गांव के कुदरती हुसन में इजाफा करती हैं। इस गांव के आखिरी हिस्से में यानी टोटल 6 किलोमीटर के फासले पर स्वात का सबसे टूरिज्म मशहूर स्पॉट गबिनजबा टॉप है। लालकू गांव के आखिरी हिस्से में ट्राउट फिश हिचरी है और ये हिचरी गबिनजबा ट्राउट फिश हिचरी के नाम से मशहूर है। जितनी भी टूरिस्ट गबिनजबा टॉप जाती हैं तो वो इसी हिचरी में क़याम करती हैं, क्योंकि इस हिचरी में न सिर्फ फिशेस अवेलेबल है बल्कि बाकायदा यहाँ पे
होटल भी है, यहाँ पे कमरे भी रेंट पे मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप क़याम करते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। मियादम वादी स्वात के मकबूल तरीन गाँव में शुमार होता है। ये गाँव वादी स्वात के मशरक के जानिब है और स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगोरा से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर हैं। हर साल गर्मी की सीजन में काफ़ी टूरिस्ट इस गांव का रुख करती है, इसी वजह से ये गांव काफ़ी मशहूर है टूरिज्म के लिए। यहां पे एक मशहूर चश्मा भी है और ये चश्मा काफ़ी मशहूर इसलिए हैं क्योंकि इसी का पानी खारिश की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट की जड़ी बूटियों से पानी गुजर के यहाँ तक चश्मे का रुख इख्तियार करता है। इसी तरह इस गांव में एक दरिया भी है जो कि इस गांव के कुदरती हुसन में इजाफा करते हैं। ये दरिया फिर मेन दरिया स्वात के साथ फतेहपुर के मुकाम पर जा मिलता है। गांव में ट्रॉट फिश हिचरी भी है और जितने भी टूरिस्ट यहां पे आते हैं तो यहां पे ट्राउट फिश का जायका एंजॉय कर सकते हैं। यहां पे ब्राउन ट्राउट अवेलेबल है और फी किलो यहां पे 2200 रुपए पे मिलता है। बशीग्राम गांव एक न्यू सियाहती मकाम है। ये गांव मदियन से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि ज़िले स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगोरा से तकरीबन 59 किलोमीटर के फासले पर है। इस गांव में एक दरिया भी बहता है और ये दरिया फिर दरिया स्वात के साथ मदियन के मुकाम पे मिलता है। गांव में ट्राउट फिश हेचरी भी है और मदियन से ले के इसी गांव तक टोटल 16 ट्राउट फिश हेचरीज है। इसी तरह ये इलाका पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्केट है ट्राउट फिशेस का। यहां पे आपको सेलमन ट्राउट फिश और इसी तरह ब्राउन ट्राउट फिश आपको मिल सकता है, जो कि 2000 पे और 1600 पे आपको फी किलो मिल सकता है। गांव में आबशार भी बेशुमार है और ये आबशार आप देख रहे हैं, इन्हीं आबशार की वजह से यहां पे कुदरती हुसन बहुत ज़्यादा है और इसी कुदरती हुसन की वजह से यहां पे इसी न्यू एक्सप्लोर एरिया को काफ़ी टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहां पे एक मशहूर लेक भी है जो कि बशीग्राम लेक के नाम से मशहूर है और यहां से लेक तक पैदल रास्ता टोटल 9 घंटे है। 9 घंटे में आप बशीग्राम लेक तक पहुंच सकते हैं।
बशीग्राम में कुदरती पानी किसी नेमत से कम नहीं है और यहाँ के लोकल लोग इसी पानी से काफ़ी फायदा लेते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि पानी से पंचक्की चल रही है और यहाँ पे ज्वार से आटा बनाया जाता है। तो ये आप देख रही हैं कि यहाँ पे ये पंचक्की चल रही है और 24 आवर्स ये पंचक्की चलती है। बशीग्राम के लोग पानी से टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बिजली बिल्कुल मुफ्त है और महाना फीगर यहाँ पे 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सामने पानी के जोर पे टरबाइन चलती है और बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पे 24 आवर बिजली की सप्लाई होती है और लोड शेडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर ये बिजली की प्रोडक्शन किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है और बाकायदा कम्बे लगे हुए हैं और फिर कम्बों से पूरे गांव को बिजली सप्लाई होती है। तो ये थे वादी स्वात के खूबसूरत तरीन गांव। अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमारी अवसर अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।